hello student i am sumona ma'am and today we are going to learn class 10 english first flight chapter 3 two stories about flying uh, this is second story black airplane so let's get started So, this is the story of Black Aeroplane by Frederick Forseth. The moon was coming up in the east behind me, and stars were shining in the clear sky above me. There wasn't a cloud in the sky. I was happy to be alone, high up. Above the sleeping countryside, I was flying my old Dakota airplane over France back to England. I was dreaming of my holiday and looking forward to being with my family. I looked at my watch, 1 .30 in the morning. I should call Paris Control soon. I thought as I looked down past the nose of the aeroplane, I saw the lights of a big city in front of me. I switched on the radio and said, Paris Control Dakota DS 088 here, can you hear me? I am on my way to England. So, a student. इसमें क्या होता है कि जो ऑथर हैं ये ये मतलब यही पायलट होते हैं और ये पैसेंजर ट्रेन चलाते हैं तो होता ये है कि कभी कभी ऐसे ही जनरली आप लोग इस चीज़ को भी जानिए ये एक मॉरल स्टोरी भी है और ये हम लोगों को कुछ सीख भी देती है ये हम लोग को ये सीख देती है कि कभी कभी हम लोग बहुत ज़्यादा कुछ पाने के इच्छा में हमारे सामने ऐसी कुछ डिफ़िकल्टीज़ या फिर ऐसा कुछ भी आ सकता है अगर हम लोग उसको इग्नोर करें तो फिर ये हो सकता है कि उससे हम लोगों को बहुत बड़ा नुकसान हो है ना इट्स टू बी अ ग्रेट डैमेज टू आवर लाइफ ऐसा हो सकता है तो हम लोगों को कुछ भी करने से पहले सोच लेना चाहिए किसी भी चीज़ के एक्साइटमेंट में पीछे के चीज़ों को इग्नोर नहीं करना चाहिए जिससे कि हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़े उसका मतलब बुरा इफ़ेक्ट पड़े तो इस जो ये जो कहानी है इसमें भी जो फेडरिक फॉर्सेथ है इन्होंने यही चीज़ मतलब सीख दी है हम लोगों को कि हम लोग को कभी भी आ, किसी भी एक्साइटमेंट के चक्कर में हम लोग का जो भी जिसके कारण हम लोग अपने जीवन को या फिर औरों के जीवन को दाव पे लगा दे ऐसा हम लोग को नहीं करना चाहिए तो चलिए इसका जो ये है मीनिंग है ये देख लेते हैं द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट तो होता क्या है कि जो पायलट हैं ये अपने फैमिली के साथ वैकेशन पे जाना चाहते हैं पहले तो अपने फैमिली के पास जाना चाहते हैं उसके बाद इन्हें छुट्टियाँ मिली होती है और इन छुट्टियों को ही स्पेंड करना चाहते हैं अपने फैमिली के साथ तो ये ये फ्रांस में रहते हैं तो फ्रांस से इन्हें लंदन इंग्लैंड सॉरी इंग्लैंड जाना होता है जहाँ इनकी फैमिली रहती है तो ये बहुत कुछ सोचते हैं कि मैं जाऊँगा अपनी फैमिली के पास ऑबियसली जैसा होता है फैमिली से मिलूँगा और उनके साथ ब्रेकफास्ट करूँगा वी ऑल आर टुगेदर हैविंग ब्रेकफास्ट। तो इस टाइप का उनका uh, बहुत ज़्यादा वो एक्साइटमेंट रहते हैं लेकिन फिर होता ये है कि वो मतलब जब उड़ान भरते हैं तो उनका उनके uh, पास बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ उनको फेस करनी पड़ती है तो यही है इस स्टोरी में तो होता ये है कि ये जो ऑथर हैं ये ये बता रहे हैं कि द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट मून मतलब रात का समय होता है रात का क्या भोर का ही समय होता है तो स्टार्स वॉर अवेयर शाइनिंग एक मतलब क्या होता है एक वहाँ मतलब सिचुएशन मतलब बताते हैं कि जो मून भरी और तारों भरी जो है रात है इन द क्लियर स्काई मी एकदम साफ स्काई बिल्कुल साफ है ठीक है राइट देअ वॉज अ क्लाउड इन द स्काई और क्लाउड ज़रा सा भी नहीं था स्काई में आकाश में बिल्कुल भी क्लाउड नहीं था आकाश बिल्कुल साफ था आई वॉज़ हैप्पी टू बी अलॉन्ग हाई अप एब द स्लीपिंग कंट्री साइड और ये अपने होम टाउन को जा रहे थे कंट्री साइड से हो मतलब होम टाउन को इन्हें जाना था कंट्री साइड से होते हुए तो ये बता रहे हैं कि सब कोई मतलब सोता हुआ मतलब एक तरह से रात का ही सीन होता है सब कोई सोता हुआ तो मैं बिल्कुल मैं देख सकता हूँ कि जो कंट्री साइड है वो सब कोई अभी का जो समय है ये सोने वाला टाइम है आई वॉज़ फ्लाइंग माई ओल्ड डकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड और मैं अपना जो ओल्ड डकोटा मतलब ओल्ड प्लेन का नाम है एरोप्लेन का नाम होता है अलग अलग तो इसका नाम है डकोटा तो मैं फ्रांस से आ, मतलब इंग्लैंड की ओर मैं जा रहा हूँ आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे और मैं सोचते हुए जा रहा हूँ अपने हॉलीडे के बारे में एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बींग वि माई फैमिली और मैं अपने फैमिली के बारे में सोचते हुए जा रहा हूँ आई लुकड एट माई वॉच मैंने अपने घड़ी को देखा वन थर्टी इन द मॉर्निंग डेढ़ बजे हुए थे सुबह के बारह बजे के बाद ही ऑबियसली हम लोग नेक्स्ट डे मान लेते हैं और उसको मॉर्निंग मान लेते हैं आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सुन मैंने तो मुझे पेरिस कंट्रोल को फ़ोन करना चाहिए आई थाट मैंने सोचा एज आई लुक डाउन पास द नोज ऑफ द एरोप्लेन आई सॉ द लाइट्स ऑफ अ बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी मैं देख सकता था कि बिल्कुल मेरे सामने सिटीज़ की लाइट जलती रहती है ना अगर आप ऊपर से देखेंगे तो नीचे पूरी लाइट्स आपको दिखेगी आई वॉचड ऑन द रेडियो एंड सैड सॉरी स्विच्ड ऑन द रेडियो मैंने स्विच ऑन किया और रेडियो um, पर पे बोला पेरिस कंट्रोल डकोटा डी एस जीरो एट एट हीयर कैन यू हीयर मी आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड तो मैंने कहा कि क्या आप मुझे सुन सकते हैं मैं अपने इंग्लैंड मतलब अपना उनका इंग्लैंड की तरफ वो जा रहे थे तो मैं इंग्लैंड की तरफ जा रहा हूँ इंग्लैंड की ओर रुख कर रहा हूँ तो इस तरह का वो बोलते हैं रेडियो में मतलब कंट्रोल रूम को वो फ़ोन करते हैं ओवर द वॉइस फ्राम द रेडियो एंसर्ड मी इमीडिएटली फिर उधर से आवाज़ आता है फिर वो रिप्लाई करते हैं डी एस जीरो ऐट एट आई कैन हेयर यू यू ऑट टू टर्न टिग्री वेस्ट नाव डी एस जीरो एट एट ओवर तो उधर से भी आवाज़ आता है कि कि मतलब जो वो मतलब पूछते हैं बताते हैं तो उधर से भी उसका रिप्लाई आता है कि हाँ आप तैयार हैं उड़ान के लिए इस तरह का उन लोग मतलब कोड वर्ड में उन लोग बोलता है आई चेकड द मैप एंड द कम्पास स्विच्ड ओवर टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक टर्न द डकोटा ट्वेल्व डिग्री वेस्ट वर्ड इंग्लैंड तो मैंने चेक किया कि मेरा जो कंपास था जो स्विच मतलब स्विच्ड था कंपास था रेडियो था टैंक भी फुल था मेरा मतलब जो लास्ट फ्यूल माइस मतलब लास्ट फ्यूल उनका जो टैंक था वो भरा हुआ था एंड और वो सोचे कि इसमें ज़्यादा फ्यूल का भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ से तो इंग्लैंड तक मतलब पेरिस से इंग्लैंड तक ही जाना है तो फिर उसमें फिर ज़्यादा फ्यूल का जरूरत नहीं जो है उसी में हो जाएगा उनको पता नहीं था कि उनके सामने इत, मतलब कुछ ट्रेवल भी आ सकती है वो ऐसा सोचे भी नहीं थे तो आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट और वो बस यही एक ही चीज़ सोच रहे थे कि मैं ब्रेकफास्ट तक पहुंच जाऊंगा आई थॉट वो सोच रहे थे अ गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट एवरी थिंग वॉज गोइंग वेल एक बहुत अच्छी इंग्लिश मतलब इंग्लिश ब्रेकफास्ट इंग्लिश ब्रेकफास्ट में सिस्टमेटिक वे से सब कुछ मतलब परोसा जाता है और बहुत मतलब उसको जो अंग्रेज़ होते हैं वो इंग्लिश ब्रेकफास्ट इस तरह से बोलते हैं एवरी थिंग वॉज गोइंग वेल इट वॉज़ एन ईजी फ्लाइट सब कुछ अच्छा चल रहा था और ये बहुत ज़्यादा ईजी फ्लाइट था क्योंकि आसमान बिल्कुल साफ था कोई भी प्रॉब्लम नहीं था जब तक वो देखे थे इस तरह का वो मतलब देखे थे जो भी माहौल था वो बिल्कुल ठीक था पेरिस वाज अबाउट 150 फिफ्टी किलोमीटर्स अब वो उन्होंने अपने प्लेन को स्टार्ट कर चुके थे वो और वो पेरिस को 150 किलोमीटर पीछे छोड़ चुके थे क्योंकि वो 150 किलोमीटर आगे आ चुके थे पेरिस से व्हेन आई सॉ क्लाउड्स फिर मैंने क्लाउड्स देखे इस्ट्रॉ क्लाउड्स मतलब बिल्कुल जो घने बादल होते हैं वो उन्होंने देखा दे व ह्यूज़ वो बहुत बड़े बादल थे जैसे आसमान में कभी कभी अगर बादल आ जाता है तो बिल्कुल घिरा रहता है आसमान बादलों से हम लोग बोलते हैं बिल्कुल काला बादल छाया हुआ है बहुत बारिश होगा इस तरह से हम लोग बोलते हैं तो उसमें भी उन्होंने देखा कि बहुत बड़े मतलब बादल थे आसमान पर दे लुकड लाइक ब्लैक माउंटेंस इन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई वो अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि वो लग रहे थे कि जो बड़े बड़े काले माउंटेन होता है ना वो मेरे सामने बिल्कुल खड़े हैं आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर दैम मुझे पता था कि मुझे फ्लाइट जो है फ्लाई मुझे नहीं करना चाहिए मैं ये चीज़ को जान चुका था एंड आई डिडेंट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड दम टू द नॉर्थ और साउथ होता यह है कि अगर कुछ इस तरह का सिचुएसन आता है तो बोला जाता है प्लेन को गोल गोल आसमान में ही घुमाने के लिए और जब सब कुछ ठीक हो जाएगा फिर उसको जो डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में जाने के लिए लेकिन उनके पास इनफ फ्यूल भी नहीं था कि वॉट टू गो बैक टू पेरिस आई थाट तो मैंने सोचा कि मुझे बैक हो जाना चाहिए पेरिस क्योंकि सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब है आसमान का जो सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है तो मुझे बैक चले जाना चाहिए पेरिस लेकिन फिर मैं सोचता हूँ कि आई थाट बट आई वॉन्टेड टू गेट होम लेकिन मैं घर भी जाना चाहता हूँ आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट और मैं ब्रेकफास्ट भी करना चाहता हूँ अपनी फैमिली के साथ तो आई विल टेक द रिस्क तो मैं एक रिस्क ले लेता हूँ हो सकता है कि सब कुछ ठीक हो जाए आई thought एंड flew that old Dakota straight into the storm स्ट्रॉम और मैंने क्या किया कि इस्ट्रॉम के अंदर अपना जो प्लेन है उसको ले लिया मतलब इस्ट्राम से होता हुआ मैं अब मतलब जा रहा था इनसाइड द क्लाउड्स एवरी थिंग वॉज सडनली ब्लैक और जैसे ही मैं क्लाउड्स के अंदर गया सब कुछ ब्लैक हो गया मुझे कुछ नहीं दिख रहा था इट वॉज़ इम्पॉसिबल टू सी एनी थिंग आउटसाइड द एरोप्ल कुछ भी नज़र आना इम्पॉसिबल था एरोप्लन से बाहर कुछ भी नहीं नज़र आ रहा था क्योंकि द क्लाउज़ वॉज सो हीज जो बादल थे वो बहुत बड़े और काले घने बादल थे द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्ड इन दर तो उस समय क्या हुआ बाहर तो कुछ दिख नहीं रहा था वो कुछ समझ भी नहीं पा रहे थे तो एरोप्लेन हवा में जम्प्ड और ट्विस्ट कर रहा था आई लुकड एट द कम्पस मैंने कम्पास की तरफ देखा आई कूडेंट बिलीव माई आइज तो मेरे मुझे अपनी आँखों पर विश्वास नहीं हुआ द कैम्पस वॉज टर्निंग अराउंड एंड अराउंड एंड अराउंड कंपास जो था वो बिल्कुल खाली घूम रहा था टर्न हो रहा था बार बार घूम रहा था इसका मतलब क्या था कि इट वॉज़ डेड वो खराब हो चुका था इट वुड नॉट वर्क वो कोई काम नहीं कर रहा था द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वेयर सडनली डेड और प्लेन में और भी कुछ अदर इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो भी अचानक से बंद पड़ गए थे आई ट्राइड द रेडियो I tried the radio Paris control Paris control Can you hear me? तो वो radio से कोशिश कर रहे थे uh, He was trying uh, to contact uh, the uh, uh, Paris control. तो वो इस तरह से बोल रहे थे Paris control Paris control Can you hear me? There was no answer. वो Paris control से कोशिश कर रहे थे कनेक्ट करने का लेकिन उधर से कोई आवाज नहीं आ रहा था. Obviously ऑबियस सब बात है कि वहाँ तक जो उनका जो इंस्ट्रूमेंट है सारा वो डेड हो चुका था तो इसलिए वहाँ का उनका जो कांटेक्ट है वो वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा था द रेडियो वॉज डेड टू और रेडियो भी डेड हो चुका था दूसरे जो इक्विपमेंट्स है इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनकी तरह रेडियो भी डेड हो चुका था आई हैड नो रेडियो नो कम्पास एंड आई कुड नॉट सी वे आई वॉज ना मेरे पास रेडियो था ना मतलब डरेक्शन देखने के लिए कम्पास था कम्पास का क्या हुँ? मतलब यूज होता है जिससे डरेक्शन देखा जाता है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट उसी हिसाब से जो प्लेन होता है वो आगे बढ़ता है और मुझे तो ये भी नहीं पता था कि मैं कहाँ पर हूँ कहाँ पर था आई वॉज लॉस्ट इन बिल्कुल खो गया था इस्ट्राम में मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था देन इन द ब्लैक क्लाउड क्विट क्वाइट नियम में और जो ब्लैक क्लाउड था वो बिल्कुल मतलब मेरे बिल्कुल पास ही था तो इसलिए मुझे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था आई सॉ अनदर एरोप्लन फिर मैंने देखा एक और एरोप्लेन इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स जो प्लेन होता है उन उसके दोनों और जैसे पक्षी का जो पंख होता है उसी तरह प्लेन का भी पंख उसी तरह का डिज़ाइन किया हुआ होता है आई सॉ अनदर एरोप्लेन इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्ट्राम लेकिन मैं मैंने एक और ब्लैक एरोप्लेन को देखा अपने सामने आई कुड सी द पायलट्स फेस और मैं पायलट के फेस को भी मैं देख सकता था टर्न टूअर्ड्स मी जो कि मेरे साइड में ही था लेकिन मैं उसे देख सकता था आई वॉज़ वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन कभी कभी ऐसा होता है अगर हम अकेले ट्रबल में फंसते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा टेंशन होती है लेकिन अगर कोई और भी हमारे साथ टेंशन में फंसता है ह्यूमन नेचर होता है तो हमें थोड़ा सा रिलैक्स होता है तो यहाँ पर भी यही चीज़ था तो आई कुड मतलब उन्होंने जो पायलट थे उनके फेस को भी देखा था और वो बहुत खुश थे इस चीज़ से कि चलो अकेले मैं ही नहीं हूँ कोई और भी है इतने क्लाउडी और इतना जो इस्ट्रॉग बहुत ज़्यादा जो आ, अंधेरा था पूरे आसमान में तो उसके बीच अकेले मैं ही नहीं हूँ ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड उन्होंने अपना हाथ दिखाया उन्हें तो अगला क्या बोला जो दूसरे ब्लैक एरोप्लेन में था उन्होंने कहा फॉलो मी ही वॉज सेइंग फॉलो मी उसने वो मुझे कह रहा था कि फॉलो मी मेरा पीछा करो ही नोज एम लॉस्ट उसे पता चल गया था कि मैं बिल्कुल आ, मतलब लॉस्ट हो चुका हूँ और बिल्कुल मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है तो इसलिए वो समझ गया था मैं ऐसा समझा कि हाँ वो समझ गया है ही इज ट्राइंग टू हेल्प मी वो मेरा हेल्प करना चाह रहा है ही टर्न हीज़ एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ इन फ्रंट ऑफ माई डकोटा सो दैट इट वुड बी इजियर फॉर मी टू फॉलो हीम वो क्या किया कि मेरे सामने से प्लेन को स्लोली धीरे से नॉर्थ की ओर टर्न किया और, और मुझे बस उसके पीछे जाना था ये काम मेरे लिए बहुत ज़्यादा ईजी था आई वॉज़ वेरी हैप्पी टू डू बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लन और मैं बहुत हॉ मतलब हैप्पी था उसके उसको पीछा करते हुए लाइक एंड ओबीडियट चाइल्ड जिस तरह से बच्चे अपने मम्मी पापा को फॉलो करते हैं और बचपन में उन्हें किसी भी तरह का टेंशन नहीं होता क्या करना है नहीं करना है मम्मी पापा ही डिसाइड करते हैं और बच्चे बस उन उसका पालन करते हैं तो इसी तरह से वो भी अपने आप को जो ब्लैक एरोप्लेन है उसके पीछे वो बस मतलब ले जाते रहे जैसा 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 वो जा रहा था वैसे वैसे ये भी जा रहे थे आफ्टर हाफ एन आवर द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वॉज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड आधा घंटा बाद भी मैंने देखा कि जो ब्लैक एरोप्लेन था वो मेरे सामने से ही जा रहा था मुझे दिशा दिखा रहा था नाउ देयर वॉज ओनली इन फ्यूल इन द ओल्ड डेकोटाज लास्ट टैंक टू फ्लाई फॉर फाइव और टेन मिनट्स मोर मैंने अचानक से देखा कि जो फ्यूल था वो बिल्कुल ही कम हो गया था ज़्यादा से ज़्यादा दस से पाँच मिनट मैं उस पर मैं चला सकता था प्लेन आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेंड अगेन फिर मैं टेंशन में आ गया और फिर मुझे बहुत ज़्यादा मतलब इस बारे में टेंशन हो रही थी कि अब मैं क्या करूँ बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन एंड आई फॉलोड थ्रू द स्ट्रॉम लेकिन फिर मैंने देखा कि वो बिल्कुल नीचे की तरफ जा रहा है और मैंने भी उसे फॉलो किया Suddenly, I came out of the clouds and saw two long straight lines of lights in front of me. It was a r uh, runway. फिर मैंने अचानक से देखा कि मैं नीचे की तरफ़ जब जा रहा था तो दो स्ट्रेट लाइट दोनों तरफ से मुझे दिखी होता है कि जब अंधेरा में क्या होता है कि रनवे में दोनों तरफ से लाइटें लगाई जाती है ताकि पायलट को जब अंधेरे में वो लैंडिंग करे तो उन्हें पता चले कि हाँ यही मतलब रनवे है तो उसी तरह से उन वो देख के समझ गया कि ये रनवे है और वो एरोप्लेन मतलब एयरपोर्ट तक पहुँच गया आई वॉज़ सेफ मैं बिल्कुल सेफ था आई टर्न टू लुक माई फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लन फिर मैं मतलब टर्न हुआ मूड़ा कि अपने जो फ्रेंड है जो ब्लैक एरोप्लन में है उसको देखने के लिए बट द स्काई वॉज इम्पिटी लेकिन मैंने देखा कि बिल्कुल आसमान खाली था देर वॉज नथिंग देयर द ब्लैक एरोप्लेन वॉज़ गॉन वहाँ पर कोई नहीं था जो ब्लैक एरोप्लेन था वो बिल्कुल ही गायब था आई कुड नॉट सी इट एनी वेयर मैं उसे कहीं भी नहीं देख पा रहा था तो फिर वो बिल्कुल हैरान हो गया इस चीज़ से आई लैंड एंड वॉज नॉट नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा नियर द कंट्रोल रूम मैंने ओल्ड मतलब डकोटा को कंट्रोल रूम तक मैं मतलब ओल्ड uh, डकोटा को मैं लैंडिंग करके और मैं कंट्रोल रूम की तरफ गया आई वेंट एंड आस्क अन इन द कंट्रोल सेंटर वे आई वॉज एंड हु द अदर पायलट वॉज और मैंने जाके उस से पूछा कि मैं कहाँ पर हूँ और जो और एक जो पायलट थे वो कहाँ पर है आई वॉन्टेड टू से थैंक यू सी लुकड एट मी वेरी स्ट्रेंजली और उसने मुझे पहले तो बहुत ही अजीब तरीके से देखा एंड देन लावड और फिर वो हंसी अनदर एरोप्ल फिर वो मुझसे सवाल की कि दूसरा एरोप्लन अप देर इन दिज स्ट्र मतलब इज स्ट्रॉन्ग में इस आंधी में नो अधर एरोप्लेन्स वे फ्लाइंग टू नाइट योर्स वॉज द ओनली वन आई कुड सी ऑन द रडार उसने बोला कि दूसरा एरोप्लेन आज आ, उड़ान नहीं भरा है कोई भी दूसरा एरोप्लेन सिर्फ जो आप चला रहे थे वही एरोप्लेन मैंने रडार में देखा सो हु हेल्पड मी टू अराइव देयर सेफली विदाउट अ कंपास और अ रेडियो एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माय टैंक्स तो फिर उसने सोचा कि फिर वो कौन था जिसने मेरी मदद की जब मेरे पास कंपास खराब हो चुका था रेडियो खराब हो चुका था और मेरे पास ज़्यादा फ्यूल भी नहीं था हु आज द पायलट ऑन द स्ट्रेंच ब्लैक एरोप्लन कौन था पायलट वो स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लन का फ्लाइंग इन द स्ट्राम विदाउट लाइट्स जो कि उस अंधेरा जो मतलब ब्लैक क्लाउड्स में जो फ्लाई कर रहा था और बिना किसी लाइट के सो स्टूडेंट अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो आप जरूर लाइक कीजिए शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू वेरी मच